आलू मटर दम बना रही हूँ, और ये जो स्मॉल वाली आती है ना, क्या बोलते हैं इसको, बेबी पोटैटो, वो था बहुत सारा पड़ा हुआ, तो इसका मैं तो चलो आज यही बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट ये सब हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मेरा हाथ भी जल गया, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म थी और मैं हाथ से ही पकड़ दी। तो आज लंच में बन रहा है बहुत ही सिंपल सा खाना, तो बोलते हैं ना बिहारी थाली आज बनेगा, तो वही मैं बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना मुझे सिंपल सा खाना खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ मूंग दाल फ्राई करी थी, और मेरे यहाँ कोई भी दाल जो खाती हूँ ना मैं, तो वो फ्राई करके ही खाती हूँ, चाहे मूंग दाल हो चाहे तुअर दाल हो, पहले फ्राई करती हूँ तब खाती हूँ, और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मुझे अभी सीम फ्राई करना है, उसके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल दे दी हूँ, 5 फोड़न दे दी हूँ, और इस सीम को मैं कट करके रख दी हूँ, और हाफ प्याज डाल दी हूँ। प्याज तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, मुझे ज़्यादा प्याज इसमें अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैं हाफ ही डाली हूँ। और इस सबको डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको मैं फ्राई होने दूंगी, तो बस थोड़ा सा इसको चला के मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। और यहाँ सब्जी भी बन गई है जो बहुत यम्मी दिख रहा है, और दाल भी बन गई है, दाल में आलू भी डाल दी थी वो भी पक गया है में। और ये सीम हो गया है, तो थोड़ा सा मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, और स्वाद अनुसार नमक, ग्रीन वेजिटेबल जो भी होता है ना, बहुत कम मसाले के साथ में पकाती हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। और अभी मुझे बनाना है चोखा, तो चोखा बनाने के लिए मैं लाल मिर्च को और जीरा को मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा पका ली हूँ, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें अनियन चॉप्स करके, और आपके पास जो भी है ना, जैसे अनियन है, गार्लिक है, वो सब आप इसमें डाल सकती हो। और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं, गार्लिक इसमें अभी डाली नहीं, और कोरिएंडर लीफ भी आप डाल सकती हो, इसमें बहुत टेस्टी लगता है। और इसे मैं इस तरीके से हाथ से मैश करूँगी, थोड़ा सा कच्चा ऑयल डाल दूँगी, और कच्चा ऑयल ऊपर से मिलाओ ना इसमें, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये बन के रेडी है, जाएगा डस्टबिन में। और ये है चावल का पानी, जिसे मैं डालूंगी प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके, सब में डालूंगी। तो चावल जो वाश करती हूँ ना, उस पानी को मैं सारे प्लांट में डाल देती हूँ, फेंकना नहीं चाहिए वो पानी ना, बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। सो गाइस, मैं सावर लेके आ गई, और अब हम करेंगे लंच, और लंच करने के बाद हमें आज भी बाहर निकलना है, जैसे कि हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 वीकेंड है और 3rd में हम निकल ही जाएंगे, तो बहुत सारा शॉपिंग करना है अभी, तो इसलिए हम कल भी गए थे और आज भी जाएंगे, तो बस लंच करेंगे और हम रेडी होके निकल जाएंगे। जितना जल्दी निकलेंगे, बहुत सारा काम है, जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैं यहाँ प्लेट लगा ली हूँ, ये मैं लंच निकाल लेती हूँ, कर लेती हूँ, और आप लोग को दिखाती हूँ बहुत कुछ बनाई हूँ आज मैं, होता है ना इतना 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 रह जाता है, तो सबको मैं आज बना रही हूँ। चलिए मैं लंच करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या सब है, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सो गाइस, 2024 का मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, और काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा था और मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, तो आज फाइनली मैं इसे एडिट करने के लिए बैठी हूँ। और हमें कहीं जाना है, जिसके लिए ना शॉपिंग अभी सब चल रहा है, तो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता चल गया है ऑलरेडी कि मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ, ये सब पता चल गया। और जो मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या है ऐसा कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। गाइस, ये रहा आज का लंच, और चिकन फ्राई हम मंगा लिए हैं, तो साथ में होगा चिकन फ्राई भी। फटाफट निकल रहे हैं, और क्लच चढ़ाया ही नहीं, बिना क्लच बाल बांधे ना खाया ही नहीं होता है मेरे से, बाल ऐसे खोल के ना मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, ऐसे बाल खुले खुले ना मेरे से खाना खाया नहीं होता है। खा लेते हैं खाना,
खाना खाते हैं, फिर धूप बहुत अच्छी निकली है कल और आज। यहाँ खाना और यहाँ टीवी, टीवी देख के खाना खाया जाएगा यहाँ धूप में बैठ के। सो गाइस, पतिदेव को तो चिकन के बिना बनता नहीं है, तो वो ऑर्डर कर दिए थे चिकन, और ये रहा आज का मेरा लंच थाली जो बहुत ही यम्मी दिख रहा है, तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। टीवी और खाना, चलिए खा लेती हूँ फिर बातें करती हूँ, और फिर बातें क्या करूँगी, रेडी होके हमें निकलना है, तो पहले करेंगे लंच, उसके बाद दूसरा काम। सो गाइस, होते होते हम अभी निकले हैं, एक्चुअली लंच करने के बाद, लंच करने के बाद हम सो गए और बस हो गया, सो गए और हो गया, तो अभी निकली हूँ मैं। और इनको ना मेरा खुला बाल बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, कितना छोटा लग रहा है, मैं पीने नहीं हूँ, बांध दूंगी झटोली सब होती है ऐसे ही झटोली। कहते ना बाबा कितना अच्छा लगता है मेरा खुला बाल, लाइट नहीं है तो कैसा लग रहा, भूत जैसा। हाँ जी, कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इनको मेरा खुला बाल अच्छा नहीं लगता है, देख कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मैं कभी ना अपना हेयर ऐसे नहीं रखती हूँ, आज मैं बोली नहीं मैं पिन रख ली हूँ क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, कभी बोल सकते इसमें मैं पिन रख ली हूँ तो मैं लगा लूँगी। और ये दे दी हूँ पूरा टेलर में देना है सबको, एक कॉट सेट है और दो पैंट है, थोड़ा सा छोटा कराना है। और होते होते अभी हम निकले हैं घर से, एक्चुअली लंच करने के बाद हम थोड़े से मतलब रेस्ट करने के चक्कर में आंख लग गई, सो गए। जब मैं बाल खोल के रखती हूँ तो कौन सा गाना गाता है, ये झटोली जो सबसे अलग है, काम इतना था और सो गई। सो आपका तो मालूम हुआ फोन है चला गया, हम वहाँ गाड़ी को पार्क करके आए हैं, आज सैटरडे संडे को ना बहुत दूर, कहीं भी यहाँ भी वही हाल है, गिर जाऊंगी। सैटरडे संडे ना पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, कहाँ हो और उसमें है ना ये वाली शॉप जहाँ समझिए थे। तो आ गए हैं सेक्टर 18 के मार्केट में। तो गाइस, ये रहा मेरा ओटीटी, और हम आ गए हैं चौकी में, क्योंकि हस्बैंड को ना यहाँ से कुछ शॉपिंग करना था, तो आज बहुत सारा कुछ हमें शॉपिंग करना है, क्योंकि हो रही है फिर से शादी की तैयारी, और किसके शादी की तैयारी चल रही है, किसके शादी के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, वो सब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो हस्बैंड को जो कुछ देना था वो सब दे दिए हैं और पेमेंट कर दिया, और हम यहाँ से जाएँगे, और यहाँ से अभी निकलेंगे तो कहाँ कहाँ जाना है वो मुझे भी अभी पता नहीं है, तो आप लोग मेरा ये ओटीटी कैसा लगा बताइएगा। सो गाइस, हमें मिल गया कुछ कुछ, मेरा कुछ लेना है, और ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो हमें हमें कुछ इनके लिए शॉपिंग करना है, पतिदेव के लिए, इसलिए हम घूम रहे हैं। बाटा में भी गए, कुछ पसंद नहीं आया बाटा में, इसलिए नहीं, बाटा में वही बोरिंग डिजाइन होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हम आ गए हैं दूसरे जॉकी स्टोर में, क्योंकि उसमें ना कुछ कुछ मिला नहीं, मतलब था नहीं उनके पास, तो हमें यहाँ आके लेना पड़ा, तो ये सारा शॉपिंग हो चुका है हस्बैंड का। तो गाइस, मैं तो आराम से बैठ गई हूँ यहाँ, और सर इतना भारी हो गया है ना, क्योंकि ना कि लग रहा है एकदम बहुत गर्मी है नीचे, पता नहीं क्यों इतना गर्मी है यहाँ, लग रहा है इसको भी खोल के ना फेंक दूँ। तो अभी मैं एक चाय मंगवाई हूँ, मतलब चाय पूछने के लिए आई, तो मैं मना कैसे कर सकती, तो मैं बोली हाँ मुझे चाय पीनी है, क्योंकि सर बहुत बहुत भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों इस तरीके को, उसमें मार्केट में आने का हैबिट नहीं है ना, हम कभी कभार ऐसे शॉपिंग करते हैं, वरना हम मॉल से ही शॉपिंग करते हैं, जो भी देना होता है मॉल से ही।
और ये बंद बंद है ना, ये देखो चारों तरफ, इसमें ना सफोकेशन होता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज सिर्फ हस्बैंड के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। क्या होता है कि जो जेंट्स का शॉपिंग होता है ना वो फटाफट निपट जाता है, बट हम लड़कियों का शॉपिंग ना बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। ऊपर से शादी में मैं क्या पहनूंगी ना, रिसेप्शन में क्या पहनूंगी, वो सब अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। इसलिए मैं सोच चलो हस्बैंड का शॉपिंग निपटा लेते हैं, फिर अपना शॉपिंग मैं करूँगी। तो गाइस हो गई मेरी शॉपिंग और अभी कुछ बात है ना, टेलर का मैं काम करवा दूंगी। अच्छा उधर तो बिहार ना, तो अभी हमें इस मार्केट का काम हो गया हमारा, जो शॉपिंग करना था यहाँ से हम कर लिए हैं और अभी हमें जाना है सरिता बिहार। ये मैं मतलब मुझे शॉपिंग नहीं करना था आज, और मैं आऊँ और शॉपिंग ना करूँ हो नहीं सकता है। मेरी भी शॉपिंग होगी, बहुत प्यारा सा ज्वेलरी ना, बहुत प्यारा लगा मेरे ऊपर, इसे मैं सोची चलो ले लेती हूँ। और इस शॉप पे जब भी मैं आती हूँ ना, मतलब बिना सोचे समझे मुझे शॉपिंग करना हो जाता है, मतलब मेरी शॉपिंग हो जाती है ना सोच के भी। तो आज भी सोच के नहीं आई थी कि मुझे शॉपिंग करना है, क्योंकि मुझे ना अभी विंटर का कुछ नहीं लेना है, मुझे जो लेना अभी समर का लेना है। और आज मुझे अच्छा लग गया, पसंद आ गया, इसलिए मैं विंटर का ले लिया आज। ये पतिदेव हाथ खाली करके जा रही हूँ, पतिदेव को समर देती हूँ। दीजिए ना, बहुत भारी लगेगा, वहाँ पार किए हूँ। तो ये सब मुझे दे दी है और वो गए वहाँ बिना सोचे समझे, जो होता है ना मेरी शॉपिंग होती है। इतना प्यारा सा लग रहा है ना यहाँ, बिना सोचे समझे का शॉपिंग होता है ना, वो हुई है मेरी आज। मेरी शॉपिंग ऐसी ही होती है, जब मैं सोच रहा हूँ शॉपिंग करना है तो उस दिन मैं कुछ नहीं लूँगी, और जिस दिन मैं नहीं सोचूंगी ना मुझे शॉपिंग करना है उस दिन मेरा शॉपिंग हो जाता है। गुड़ वाली चाय, वाओ। तो ये रही मेरी गुड़ वाली चाय, स्पेशल चाय मंगवाई हूँ मैं। और ये रहा इनका कोल्ड कॉफ़ी, और ये रहा हमारा समोसा चाट। तो गाइस आ गई है मेरी गुड़ वाली चाय, आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और घर आ गई हूँ और आज बहुत काम है मुझे, क्योंकि मैं जितना भी कुरियर रिसीव करी हूँ ना, एक भी मैं ट्राई करके नहीं देखी हूँ। और आज का जो होता है ना रिटर्न का डेट बहुत कम रहता है, तो सबको मैं अभी ट्राई करके देखूँगी। ये देखो यहाँ,
भरा है। सारे कुरियर को मैं अभी ओपन करूँगी, ट्राई करके देखूँगी, और जो ठीक है, जो ठीक लग रहा है वो तुम्हें। और टाइम कितना हो गया? ओ माय गॉड, 10:10 हो रहा है। तो सबको मैं ट्राई करके देखूँगी, और जो मुझे ठीक आया, फिटिंग सही आया, तो उसको मैं रखूँगी, बाकी को मैं रिटर्न में डाल दूँगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दो मतलब रिटर्न का डेट निकल गया, और तब मैं पैकेट ओपन ही करी, इसलिए मैं आजकल रिसीव करते ही पैकेट को ओपन कर देती हूँ। तो अभी जितने सारे रिसीव करी हूँ सबको मैं ओपन करके देखूँगी और ट्राई भी करूँगी साथ के साथ। तो आज मुझे बहुत काम है, और डिनर भी बनाना है। डिनर में एक्चुअली जो मैं दिन में सब्जी बनाई थी, सब्जी है ही थोड़ा बहुत, तो देखती हूँ हस्बैंड अगर पूरी खाएंगे, पराठा खाएंगे या रोटी खाएंगे, तो हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो खाएंगे क्या, उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। मैं तो रोटी खाऊँगी, मेरा फिक्स है, मैं रोटी खाऊँगी और हस्बैंड क्या खाते हैं पूछ लेती हूँ, तो उस हिसाब से डिनर बनाऊँगी। तो डिनर का उतना टेंशन है नहीं। चलिए थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, आते इतनी गर्मी लगी है बाहर, आते ही मैं सब स्वेटर ये सब निकाल के फेंकती हूँ। और कल सरोज नगर गई थी, आप लोगों को मैं कुछ दिखा भी नहीं पाई, आज पूरा दिन इतना बिजी हो गई। जो सब कुछ किया जा रहा है अनबॉक्स, इतना हो गया है। अच्छा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये आपका है। अरे मिट्टी देखा भी, अरे बाबू इसको गड़बड़ किया है, ये वाला ऑर्डर नहीं करी थी, ये भेज दिया है, ये ऑर्डर में नहीं था, दूसरा भेजा है ये। ये प्लांट अच्छा लग रहा है बाबू, ये यही कलर अभी भी दे दिए हैं क्या? वही है रे, कलर वही दे दिए हैं बाबू ना, वही कलर है, पैंट भी तो वही है, वही पैंट है। मुझे मटेरियल कभी अच्छा नहीं लग रहा है इसका भी। सो गाइस, चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और जो भी चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।